हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्रिएशन। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का पकोड़ा, और इसे खेकड़ा पकोड़ा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। प्याज को कुछ हम लंबा लंबा कट करेंगे, पर इससे पहले क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और किया है तो थैंक यू। देखिए कुछ इस तरह से हम प्याज कट करेंगे लंबा लंबा। चलिए सारा प्याज हम इसी तरह से कट कर लेंगे। मेरा प्याज एकदम अच्छी तरह से कट चुका है। अब इसे मैं खोल लूँगी अच्छी तरह से, और इसे मैं एक पॉट में डाल के इसे अच्छे से हम खोल लेंगे। देखिए ये खुल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। हल्दी डाला है मैंने आधा छोटा चम्मच, नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, और मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ लहसुन 1 चम्मच पेस्ट है ये। अजवाइन लिए मैंने 1 चम्मच, जो मैं क्रश करके डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने हाथ से इसे मिक्स कर लियो। इसमें मैं कोई भी पानी का यूज़ नहीं करूँगी। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है प्याज सूखे मसालों के साथ में। अब इसमें मैं 5 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना पानी के मदद के इसे मिक्स कर लूँगी मैं। बैटर एकदम अच्छे से स्टिकी हो जाएगा। देखिए इस तरह से बैटर स्टिकी हो जाएगा, आप देख सकते हैं परफेक्ट हुआ है। अगर बेसन कम लग रहा है तो आप ऐड अप भी कर सकते हो। देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसे कुछ इस तरह से हम ऑयल में छोड़ेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं पकोड़े तलने स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये पकोड़ा छोड़ना है, इसमें एकदम क्रिस्पी बनता है ये, और इसे चाय के साथ आप सर्व कर सकते हो, चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे और अच्छे से पकने देंगे, और फिर पलटा कर पका लेंगे। इस तरह से हमने पलटाना है। आप देख सकते कि एकदम क्रिस्पी सा दिख रहा है पकोड़ा। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। मेरे पकोड़े एकदम अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। पहले ऑयल अच्छी तरह से निकलने दूँगी मैं, और इसे निकाल लूँगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।